पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके के आशियाना में स्थित न्यूरॉन हॉस्पिटल के स्टाफ पर मरीज के परिवारों से मारपीट करने का आरोप है। दरअसल आपको बता दें कि अमरोहा जनपद का रहने वाला एक मरीज न्यूरॉन अस्पताल में भर्ती हुआ है, जिनके रिश्तेदार सिविल लाइन थाना इलाके के रहने वाले हैं। मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाना चाहते थे, मगर आरोप है कि डॉक्टर ने उसे छुट्टी नहीं दी। न्यूरॉन हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें दो लोग चोटिल हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट करने वाले अस्पताल स्टाफ के चार लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, तो वहीं पुलिस ने मारपीट में घायल दोनों लोगों का मेडिकल कराया है। दबाव बना रहे हैं हमारे रिश्तेदारों के ऊपर बेचारे गरीब आदमी। क्या घटना क्या हुई आपके साथ? घटना क्या, हमारे रिश्तेदारों को मारा है इतने बुरे डॉक्टरों ने, मारा है आपके लिए हॉस्पिटल के कम दो सीनियर डॉक्टर। तो क्या मानते हैं थाने के अंदर चाहे मैं तुम्हारे ऊपर दबाव डाले जा रही है? दबाव डाला जा रहा है। क्या कह रहा है? ले लो आप राजी। कौन कह रही है? पैसे ले लो। तीन चार दिन इनके लोग हॉस्पिटल। तो इसका मतलब मानते हो थाने पर दबाव डाले जा रही है? पुलिस के सामने दबाव पड़ लिया क्या? बताओ, मजबूर हैं हम लोग भी ना, पुलिस के सामने दबाव पड़ गया। दीदी है हमने मेडिकल हो गया। हाँ, मेडिकल कराने गए। एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक हॉस्पिटल में मारपीट की जा रही है। इस मामले में जांच की जा रही है, जो भी हमें तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर मेरी कार्रवाई करेंगे। अभी जाँच की जा रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।